हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ जो आप फेंक देते हो, लेकिन उसे फेंकना नहीं चाहिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। टैन वी हैव दिस। तो हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, सिर्फ पानी वाला लेते हैं, लेकिन जो नारियल अंदर होता है वो भी बहुत यूज़फुल होता है। वैसे तो स्किन के लिए भी और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी जानते हैं। ये मेरी एक्चुअली सिस्टर की रेसिपी है और एक बार आपने जब ये खा ली ना, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। चलो आप इसकी रेसिपी देखते हैं। तो ये हमारा सेटअप तैयार है और इसके लिए हमें ऑफकोर्स ये नारियल तो चाहिए और बाकी भी सारी चीज़ें चाहिए जो कि हम धीरे धीरे करके इस जार में डालते हैं। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको तोड़ना है। तो बट्टा कम गया। तो ये हमने नारियल की मलाई निकाल ली है और अब हम इसे इसमें डालेंगे। बिल्कुल शेफ वाला फीलिंग आ रही है। वैसे तो मुझे इतने कुछ खाने की बनाने की भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ही आता है कि इंसान खा सके। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं पुदीना, अदरक, और ये तो आप सब लोग जानते होंगे पर ये इसमें नहीं डालना, ये मेरे खाने के लिए। हम इसमें मिर्च नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि मम्मी मिर्च नहीं खाती हैं, तो हम इसे सबसे लास्ट में डालेंगे, मतलब दोबारा ग्राइंड कर देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला हींग, थोड़ा सा जीरा। ये सिंपल रेसिपी है इसे। तो अब हम मम्मी के लिए साइड निकाल के रख देते हैं। मिर्च डालने के बाद हम इसे दोबारा ग्राइंड करेंगे। अभी अच्छे से ग्राइंड हो गया है यार। मुझे ना इस चटनी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें पुदीना पड़ा है और पुदीना जिसमें पड़ा होता है, चटनी तो अमेजिंग ही होती है। इसे खाली कर लेंगे बाउल में। ये रही टेस्टी सी चटनी और इसकी प्यारी सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने तो स्पेशली इसी के लिए रखा था। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। वाओ, बाय बाय।